आज हम लोग बात करते हैं कि ऑफिस में अगर आप काम करते हो कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या क्या चीज़ आपको बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि आप बताने से आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है, जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, ओके। नंबर वन है कि आप कितना पैसा बनाते हो। राइट, बार म्यूचुअल फंड इधर उधर इन्वेस्टमेंट भाड़ा ये सब चीज़ बाहर दिखना नहीं चाहिए। मतलब आपकी एक दो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है, अलग है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस में कलीग्स कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं। आपको मिला है, यू आर वेरी लकी, ऐसा मिलता नहीं है। राइट, ये मेरा 10-15 साल का अनुभव से बता रहा हूँ, 15 कॉर्पोरेट्स मल्टीनेशनल कंपनीज सब कंपनीज का मैं एक इससे बता रहा हूँ। हाँ, फ्रेंड्स हो सकते हैं लेकिन आपको बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकते हैं, जिसके बाद आप गुस्सा कर सकते हो। राइट, एक हो गया। सेकेंड, आपका जो पॉलिटिकल बिलीव्स है, आप किसको पसंद करते हो नहीं करते हो, ये सब चीज़ कुल्लम कुल्ला ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहिए। यहाँ तक किसी को पता भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है। राइट, मेरा भी वीडियोस में आप कहीं पे भी देखेंगे मैं कुछ भी नहीं आता हूँ, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव्स है, यू नो, रिलीजन रिलेटेड, गॉड रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड, लेकिन कहीं भी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बिकॉज द मोमेंट यू ब्रिंग इट यू विल लूज योर फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली ऑफिस में जहाँ पे आप कॉरपोरेट में काम करते हो, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। राइट, सेकेंड हो गया। थर्ड में हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको ये जॉब पसंद नहीं है तो किसी को पता पता नहीं लगना चाहिए कि आपको ये जॉब पसंद नहीं है। मजाक हमने किसी को बता दिया गया काम से, कभी लपड़े में आ सकते हो। राइट, सो चुपचाप करना है और कुछ बताना नहीं है, तो ये भी किसी को शेयर नहीं करना कि आपको ये जॉब पसंद नहीं है वाला हो गया। कभी आप दूसरा जॉब ढूंढते हो ना, रिसर्च करते हो या फिर जॉब सर्च करते हो, ये भी चीज़ पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको दूसरा नौकरी मिलने से पहले ही आप जॉब से जा सकते हो, ऐसा हो सकता है। सो आपको मालूम है ये कॉरपोरेट पॉलिसी है, कॉरपोरेट का कल्चर है, सबको पता है, कोई आके नहीं बोलेगा कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है तो फिर इनोसेंट है। ये सब चीज़ कॉरपोरेट में प्रोफेशनली आपको हैंडल करना चाहिए, ना कि सीधा बोलते कि मैं पेपर डाल रहा हूँ। क्यों, हाँ मिला क्या, हाँ एक ऑफर मिला, कौन सा कंपनी वो मैं बताता हूँ, कोई बताएंगे भी नहीं कौन सा कंपनी है। क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेटर ऐसे ही होता है, एक महीने से वो कहीं ना कहीं तो जॉब सर्च किया होगा, फिर उसको अप्लीकेशन आया, इंटरव्यू के लिए गया होगा, बोला होगा मेरा तबीयत खराब है, कुछ ना कुछ बोल के इंटरव्यू किया रहेगा, फिर ऑफर लेटर आया होगा, कन्फर्मेशन होगा, इतना सब तो हुआ ही रहेगा ना, लेकिन किसी को अता पता नहीं होता है, बताना भी नहीं चाहिए, सीधा आके बोलता है मैं रिजाइन करता हूँ, ये दिन से मेरा हैंड ओवर करता हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करूँगा, ऐसा होता है। ये साफ है। सो आपको नया जॉब आप सर्च करते हो, ये चीज़ भी पता नहीं होना चाहिए, ये जॉब पसंद नहीं है ये भी पता होना चाहिए। आप कितना पैसा बनाते हो, आपकी यू नो जनरली बड़ा कॉरपोरेट्स में किसी को पता नहीं होता किसका सैलरी कितना है, दैट्स वेरी टॉप सीक्रेट एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ टू मेंटेन इट एंड सम एंड वी हैव यही एक बेस्ट है सैलरी के ऊपर, क्योंकि आपका जो बॉस है और आपका एक ही सैलरी होगा, कल एचआर को पता होगा, बॉस को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, ऐसा हो सकता है। राइट, या आपका सीनियर कलीग होगा उसका सैलरी कम होगा आपका ज़्यादा होगा। ये एक अच्छा सिस्टम है। सो वो है। सेकेंड, आपको बाहर से भी कैसे कैसे इनकम आता है वो भी बताना चाहिए। लास्ट मैं बताता हूँ, आपकी कलीग्स के अंदर कोई वीकनेस है या फिर उनके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं, आपको किसी भी हालत में ऑफिस में डिस्कस नहीं करना चाहिए, किसी को आपकी मुंह से सुनना नहीं चाहिए, चुपचाप रहने का बस, ठीक है। गॉसिपिंग ही हो जाएगा। सेकंड, आप हमेशा के लिए एक दुश्मन खड़ा करते हो, पता चल गया कि आप भी डिस्कस करते हो। लो लेवल के लोग ये बहुत करते हैं गॉसिपिंग, उसकी फैमिली के बारे में, इसकी फैमिली के बारे में, ऐसा वैसा सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एक डिसेंट एम्प्लॉई है, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, ये सब चीज़ आप हासिल करें। और आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि अगर पहली बार आप कभी जॉब में जाते हो, जो 15-20 साल से काम करते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन मैं तो 15 कंपनीज काम कर चुका हूँ, कॉर्पोरेट्स में सब जगह काम कर चुका हूँ, तो मैं बहुत नया कंपनीज नए नए दिन एक बार गया हूँ, तो उस दिन में कैसे आपको बात करना है, पहले दिन में आपको कैसे बिहेव करना है, वो सब चीज़ें मैं अगले वाले कमिंग वीडियो से बताता हूँ। राइट, थैंक यू।